हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द चैनल स्टडी 2.0। तो आज हमारा चैप्टर है घातक एंड करणी, यानी सड्स एंड इंडिसीज। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81:3/4, यानी इसको हमें काटना है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, जो हमारा 4 यानी 3 को 81 के मतलब हम फैक्टर करेंगे इस तरह। 81 के 3 जोड़े बनाएंगे, बिल्कुल फैक्टर स्क्वायर के। 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 21, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 9। तो ये हमारे, हमें क्योंकि काटना है ना, तो 4 के टुकड़ों में 3 हमारे 4 आ गया इस तरह। तो जो हमारा 81 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 81 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 3/4 ब्रैकेट चढ़ गया। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, 3/4 ब्रैकेट खोल के गुणा में हो जाएगा। इस तरह हमारा 4 से 4 गया, और 3 का स्क्वायर होता है हमारा क्या, 3 × 3 = 9 × 3 = 27, 27 हमारा स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर है हमारा 27। इसी तरह दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसी तरह हमारा ये 1 = 64 को हमें ब्रैकेट में बंद कर दिया, -2 = 2/3 माइनस का। तो इसको माइनस को हटाने के लिए ना, इसको हम लिख देंगे ऐसे, 64 जो ये माइनस हट जाएगा, ऊपर से 1 भी हट जाएगा, 64 2/3 इस तरह हमारा हट जाएगा। तो अब हम 64 को यानी कि ऐसे फैक्टर बनाने जो 3 फैक्टर बने किसी भी, जैसे 4 के तो 3 बनेंगे, 2 के तो ज़्यादा बनेंगे। इस तरह हम इसको हम 4 के फैक्टर बनाएंगे 3 बार, 2 × 3 = 3 आ गया हमारा ये। इसी तरह हम ब्रैकेट खोल देंगे, 3 × 3 = 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, इसका हमारा राइट आंसर है इस तरह। उससे हमें काफ़ी बार पेपर में आते हैं, और हमें इस तरह ही करने हैं ताकि हमारा टाइम बचे। इस तरह के भी क्वेश्चन है हमारे। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 4x − 3y / 7x + 6y = 4/13। एक्स और वाई की वैल्यू पूछी हमसे। इसके दो तरीके हैं, मतलब हमें MCQ में x और y की वैल्यू दी होगी, उसको हम पुट कर लेंगे इसमें, नहीं तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह। दो तरीके हैं इसको करने के, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से करो, ताकि हम जल्दी क्वेश्चन हो जाए हमारा। तो 13 × 52 x − 13 = 39 y बराबर 7 × 28 x + 6 × 24 y, x की तरफ y की तरफ। तो 52 x 28 ये प्लस का, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो 24 y ये माइनस का ही प्लस हो जाएगा, 39 y, ठीक है दोस्तों। तो 52 में से 28 गए, यानी 12 में से 4 गए, 12 में से 8 गए 4, 4 में से 2 गए बचे 2 x − इस तरह हम जोड़ेंगे, 4 और 9 = 13 का एक हासिल, 5 × 6 y। तो x और y आ गया हमारा 63/24। तो 3 से काट देंगे, 3 × 8 = 24, 3 × 2 = 6, 3 = 1 = 3। जो हमारी x और y की वैल्यू है वो आई हमारी 21/8। जो हमारी x और y की वैल्यू आई है वो हमें आई हमारी 21/8। इस तरह हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं। इसी तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। a/b की वैल्यू दिया हमें 6/7। फिर हमें a + 2b − 3b निकालना है, क्या होगा। तो इसका बहुत सिंपल मेथड है, हमें फॉर्मूला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। a की वैल्यू दी है हमें 6, इसमें पुट कर लेंगे, a की वैल्यू 6 दी है, ठीक है। सिर्फ 2 × b की दी है 7, डिवाइडेड बाय a की दी है हमें 6 − 3 × b की दी है 7। इस तरह 6 + 7 × 14, ठीक है, 6 − 21, ठीक है। तो इस तरह ऊपर 21 आ जाएगा हमारा, इधर ये प्लस का है, ये −21 का है। तो हमारा कितना होगा, माइनस करेंगे 6 को तो आ जाएगा हमारा, 6 को माइनस करेंगे 15, 21/15, और ये भी कट जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, तो आ जाएगा हमारा 7/5, इसका आंसर। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह की आपको वीडियो मिलती रहेगी।